अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और आज नहीं क्या, मैं आई हूँ भाभी के साथ बाहर घूमने के लिए, यही पीछे के एरिया में घूमने के लिए। तो यहाँ पर शाम के टाइम पे नहीं क्या टहलने के लिए आते हैं, तो भाभी और मैं भी सोचे कि चलो आज दोनों टहल के आते हैं करके। तो इधर में हम लोगों को नहीं क्या धान काट रहे थे लेडीज़, वो दिखे तो उस वजह से नहीं क्या फिर दिखा दी मैंने आप लोगों को कि देखो धान कटाई और ये यहाँ पर कचरा कैसा काट रहे हैं करके। और ये तालाब में पानी भी आ गया है, और अभी इन लोग नहीं क्या वो रबी अनाज कुछ तो भी ऐसा लगाने वाले हैं ना, उस वजह से पूरा कचरा साफ़ कर रहे थे। तो इन लोगों को कैसे भाई लोगों को पैसे दे करके रखना पड़ता है यहाँ पर, तो फिर वो लोग नहीं क्या पैसे के हिसाब से मतलब भुंडे में ऐसा कोई काम करते हैं, जैसे यहाँ के अभी ये धान काटना है और ऊपर से कचरा साफ़ करना, फिर यहाँ पर दूसरे बीज लगाएंगे वो अनाज के। तो इधर में बच्चे खेल भी रहे थे, तो भाभी बोलते कि चलो आज घूम करके आते हैं, शाम का टाइम है, बहुत दिनों से बाहर नहीं गए हैं करके। तो फिर दोनों के दोनों गए हम लोग घूमने के लिए। और नहीं क्या आज हम लोगों को थोड़ा सा बाहर भी जाने का था, बाहर यानी कि आज प्रोग्राम था ना, तो उस वजह से हम लोग बाहर भी जाने वाले थे। तो उस वजह से चलो मैं अभी फिर आज खाना बनाने की फुर्सत है रात की, तो फिर एक बार और घूम करके आ जाते हैं करके। और वैसे भी शाम को आप लोगों को पता है कि हमारे तरफ का नज़ारा माशाल्लाह से बहुत प्यारा लगता है करके, क्योंकि शाम को जो सूरज रहता है वो जब ढलते हुए आता है ना, तो उसकी किरणें पूरी पानी में, जो तालाब है हमारे घर के पास में वहाँ पानी में पड़ती है ना, इतना माशाल्लाह से खूबसूरत लगता है वो नज़ारा के बहुत ही अच्छा। तो ऊपर से हम लोग फिर आ गए इधर में, और उसके बाद में फिर कैसा है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमेशा की तरह वही बोलूँगी मैं आपको, ये बेचारे अपने गाय बैल चर रहे हैं और हम लोग अपनी बातें कर रहे थे भाभी और मैं यहाँ पर। देखिए सूरज कितना प्यारा लग रहा है, एकदम रौनक लग रही है ना सूरज की, इतना एकदम हल्की हल्की किरणें लग रही है। शाम का टाइम है ना, बिल्कुल असर के बाद का वक्त है। देखो सूरज कितना अच्छा लग रहा है, इसकी जो किरणें है ना वो पानी में पड़ रही है तो पानी पूरा ऑरेंज ऑरेंज कलर का लग रहा है एकदम से। घंटियों की आवाज़ कितनी अच्छी, इसके गले में घंटी है, इसके गले में नहीं, इसके गले में नहीं है, उसके गले में है घंटी। और देखो बगला भी बैठा है वहाँ पर भैंस के पास में, ये भैंस के ऊपर क्यों रहता होगा बगला? लेकिन भाभी है गोबर तब हम अपने घर जाते। खा रही है बेचारी को भूख लग गई है तो ऐसी, और ये हम लोग जा रही है इतने कचरे में से, इतना कचरा है, इतना कचरा, फिर भी आते हैं घूमने, क्या करेंगे? तो ये अब हम लोग तो घर पर आ गए, तो ये भाभी के घर में उन्होंने लगाए हैं लिली के झाड़, मैंने भी लगाई हूँ, लेकिन अभी मेरे घर में फूल आने को है। लेकिन भाभी के घर में पिंक वाला बड़ा खूबसूरत सा फूल आया है और एक कली आई है, एकदम लाइट पिंक है, इतना प्यारा लगता है ये। जब इतने सारे जो ये पत्तियाँ दिख रही है ना, इसमें एक एक करके फूल आते हैं, और लिली का फूल इतना ज़्यादा नाजुक रहता है ना, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है वो लिली का फूल। और ये शाम का देखिए, मैंने आपको व्यू भी दिखाई, यहाँ का पूरा रेड कलर का सूरज हो चुका था क्योंकि ग्रुप होने हो गया था। तो और फिर यहाँ पर एक इतना अच्छा माशाल्लाह से इतना प्यारा नज़ारा देखे ना हमने, कि अगर आज बाहर नहीं निकलते ना, वो नज़ारा हम लोग पूरा मिस कर चुके होते। तो इतना खूबसूरत सा यहाँ पर एक निकिया वो रैकेट बोलते हैं या कुछ तो भी बोलते हैं उसको, तो वो निकिया यहाँ से हम लोगों को जाते हुए दिखा। आ रही हूँ रैकेट है ना, लेकिन वो जेट विमान हो जी। मैं आई हूँ यहाँ पर भाभी के बाड़ी में, भाभी की बाड़ी और ये हमारा घर। तो यहाँ पर देखिए चिड़िया ने घोंसला बना के रखी है, तो उधर से तो मैं आपको दिखा नहीं सकती थी, इस वजह से फिर मेरे को इधर आना पड़ा। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, तो अब मैं चलती हूँ घर के तरफ में। यहाँ पर देखिए हवा भी चल रही है, और ये भाभी ने बाड़ी लगाए थे तो ये बाड़ी में भी ये हो चुके हैं। मैं आपको तुवर की फली दिखाती हूँ, देखो तुवर की फली कितनी अच्छी लगी है माशाल्लाह से। ये देखिए हमने उस दिन जो तोड़े थे ना, ये वही तुवर की फली है, और ये तुवर की फली है यहाँ पर। और अभी इन्होंने लगाया है बैगन का झाड़, और यहाँ पर देखिए गेंदे को भी फूल आ चुका है। अच्छा भाभी की बाड़ी और हमारी बाड़ी एक किस बाड़ी है दोनों की, देखिए गेंदे का फूल। और ये है गाँव की तुवर, और सरकारी तुवर मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए ये वाली है सरकारी टूर, ये है। और ये लगाया भाभी ने बैगन के झाड़, दिखाती हूँ आपको बैगन के झाड़ कहाँ है करके। छोटे छोटे बैगन के झाड़ लगाए इन्होंने, छोटे छोटे से अभी। उस दिन भैया ने और भाभी ने बैगन के झाड़ लगाए हैं। फिर ये मेथी लगाए हैं इन्होंने, हरी मेथी। और ये चना भाजी है, चने की भाजी, चने का झाड़ जो रहता है ना, बोलते हैं ना चने के झाड़ पे चढ़ना नहीं चाहिए, वो वाली चने की झाड़ की भाजी है। और ये मेथी की भाजी है पूरी, देखिए मेथी कितनी अच्छी लग रही है एकदम माशाल्लाह से। और ये है समार, समार भी देखो हरा धनिया कितना अच्छा लगा है घर में, खाने में इसकी स्मेल भी इतनी अच्छी आती है ना घर के फ्रेश धनिया की। और ये तो आम का झाड़ लगाए थे, तो आम का झाड़ हो रहा है भी छोटा। हमको जाने का है बाहर, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमको बाहर कहाँ जाने का है करके। रात को जाने का है तो अभी शाम को देखती हूँ, तो शूट करती हूँ, वरना सीधा आपको रात को ही मिलती हूँ मैं। हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ से घर, ठीक है आपको वो है घर। याहू मैं, यह है भाभी का घर, देखे आप लोगों ने बहुत बार। फिर मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को बाहर जाना है, तो ये हम लोग बाहर जा रहे थे, खाने की दावत थी, तो बाहर का भी मैंने सोची कि आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ करके। इतनी अच्छी लाइटिंग वगैरह लगी थी ना, हम लोग जहाँ पर जा रहे थे उधर में बहुत इतना प्यारा लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था हम जैसे कोई बहुत बड़े सिटी में आ गए करके। ऐसी लाइटिंग तो ज़्यादा रहती नहीं है हमारे तरफ में, ये फर्स्ट टाइम देखने को मिली इतनी ज़्यादा लाइटिंग। हम लोग जब खाना खा करके आने लगे थे ना, तो इतना ज़्यादा हम लोग डर गए कि हमने एक चीज़ देखी, यानी कि अजगर सांप, जो मैंने कभी देखी भी नहीं थी। मतलब इतना डर गए थे अम्मी और मैं। आज एक हट्टे दो दो चीज़ हमने देखे, तो एक इतनी खूबसूरत चीज़ देखे जो आसमान में देखे, और दूसरी ये चीज़ से जिससे हम डर गए। मतलब एक ही दिन में डबल चीज़ें हमने, मतलब एक को देख करके हम चौंक गए, तो दूसरा देख करके नहीं क्या डर गए, ऐसे वाले किस्सा हुए हमारे साथ में। मैं इसके बारे में कुछ बता भी नहीं सकूँगी, बस इतना है कि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, रात को भी नींद नहीं आ रही थी, सोच सोच करके वही सब कुछ ध्यान में आ रहा था। इतना शूट करें मैं पहुँच करके वो भी शूट नहीं कर पाई, तो इसलिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, जितना हुआ मैंने उतना ही करी और बाकी का नहीं कर पाई। और वीडियो भी मैं घर में पहुंचने के बाद नहीं ले पाई, मैं अपना वीडियो यहाँ पर वॉइस ओवर करती, इतना ज़्यादा डर गए थे ना हम लोग कि मैंने अपना वीडियो यहीं पर एंड कर दी हूँ। हम लोग सब पढ़ने लगे थे, और अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।